नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करिए। दाहिने ओर सबसे ऊपर फॉलो लिखा आ जाएगा और फॉलो पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल पे हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह दो बड़े बदलाव जो आने वाले EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिलों में होने जा रहे हैं। वह दो बदलाव क्या हैं? सबसे पहला बदलाव कि इस साल आपको बच्चे के आधार कार्ड की दाखिले के लिए कम से कम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है, आधार संख्या है, तो बहुत अच्छा है। नहीं है कोई बात नहीं, बच्चे का आधार नंबर अब अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या है? माता पिता का आधार कार्ड। जी हाँ, अक्टूबर के महीने में एक नोटिफिकेशन निकाल कर दिल्ली के शिक्षा विभाग ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि अब माता पिता का आधार कार्ड चाहिए होगा। पेरेंट्स आधार कार्ड विल बी रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन EWS एंड DG कैटेगरी। इसीलिए आपको अपना आधार कार्ड, माता पिता के तौर पर अपना आधार कार्ड तैयार करना होगा। और याद रखिएगा, आपका कोई भी कागजात है, चाहे वह आधार कार्ड है या कोई और कागजात जिसका आप दाखिले में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरी हमेशा आपको राय रहेगी कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वह कागजात जो दाखिले के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें ज़रा सी भी गलती है, चाहे एड्रेस से रिलेटेड है, चाहे वह बच्चे के नाम की स्पेलिंग से संबंधित है, आप उसे करेक्ट करवा लीजिए, ठीक करवा लीजिए। दूसरा कागजात जो इस साल जिसमें बदलाव आया है वह है इनकम सर्टिफिकेट। पिछले साल तक 1 लाख से कम सालाना आय के लोग सभी EWS कैटेगरी के तहत आते थे और उनके बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी के तहत दाखिला हो सकता था। लेकिन इस साल यह जो इनकम लिमिट है EWS कैटेगरी के लिए, उसे बढ़ा दिया गया है। अब इनकम लिमिट 2.5 लाख है, यानी कि 2.5 लाख से कम सालाना आय के जितने भी लोग हैं वह सभी लोग EWS कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवा सकते हैं। तो यह भी एक बड़ा बदलाव है जो इस साल हुआ है। और आपको बताना चाहती हूँ कि इस बदलाव से बहुत बड़ा एक, मैं कहूँ कि एक चेंज आएगा दाखिले में, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे, सीट्स उतनी हैं, स्कूल्स उतनी हैं, तो अब अप्लाई करने वाले लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फॉर्म भरने वाले लोग बढ़ जाएंगे, सीटें उतनी होंगी, यानी कि ज़्यादा फॉर्म भरने की वजह से ज़्यादा कंपटीशन होगा। और उम्मीद करती हूँ कॉम्पिटिशन चाहे ज़्यादा हो, लेकिन सभी के, जो लोग हमारे सबकी शिक्षा परिवार के साथ जुड़े हैं, उन सभी के बच्चों का बढ़िया स्कूलों में दाखिला हो। तो यह थे दो बड़े बदलाव जिनके बारे में मैंने आपको बताया। पहला माता पिता का आधार कार्ड, दूसरा कि इनकम लिमिट में अब बदलाव आ गया है, 2.5 लाख से कम सालाना आए वाले सभी लोग EWS कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दाखिला करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वह इसका इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर इस्तेमाल में दाखिले के लिए ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।